इंटरनेशनल वुमेन एम्पावरमेंट डे के हवाले से हमारे कॉलेज में जो आज सेलिब्रेशन हुई है वो इंटरनेशनली वुमेन एम्पावरमेंट डे को मनाए जाने का एक हिस्सा है। हर साल वुमेन एम्पावरमेंट डे 8 मार्च को मनाया जाता है और इसमें एक थीम मुकर्रर की जाती है। इस दफ़ा की थीम है इंस्पायरिंग हाई, खवातीन को जॉब्स में कोटा दिया जाए, उनकी तालीम के लिए मजीद जो है स्कॉलरशिप्स वगैरह दिए जाएँ। एक औरत को एजुकेट करना, एक बच्ची को एजुकेट करना, एक नस्ल को एजुकेट करना है। जैसा कि नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे बेहतरीन माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौमें दूँगा। एक मर्द की एजुकेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल की एजुकेशन है, जबकि एक लड़की की एजुकेशन नस्लों की एजुकेशन है। हमारे आने वाले दौर का तायुन आज की ये बच्चियाँ करेंगी, तो जितनी ये कॉन्फिडेंट होंगी, जितने इनको अच्छे मौके मिलेंगे, उतना ही हमारा कल ब्राइट होगा। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस मूवमेंट को कि वुमेन इंटरनेशनल एम्पावरमेंट डे जो मनाया जाता है, और पाकिस्तान भी इस मूवमेंट का एक हिस्सा बन चुका है। और हमारी बच्चियाँ न सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर चुकी हैं, पाकिस्तान PIA की कमर्शियल पायलट्स हैं, इसके अलावा रिसेंटली अभी आपने सुना होगा K2 पे भी पाकिस्तान की एक बच्ची ने क्लाइंब किया है। तो ये सब चीज़ें बहुत इनकरेजिंग हैं। मैं दुआ करती हूँ कि हमारी बच्चियाँ इसी तरह आगे बढ़ती रहें, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे मज़हब में कहीं भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जब हमें हमारे मज़हब ने नहीं रोका, तो हमारे माशरे को भी हमें आगे बढ़ने के मौके फराहम करने चाहिए।